हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी बनाना। तो आइए बिल्कुल अलग तरीके से हम चटनी बनाएंगे। लहसुन और लाल मिर्च और हरी मिर्च की चटनी बनाने के लिए ये हमने 100 ग्राम लहसुन लिया है, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। 300 ग्राम हमने ये हरी मोटी मिर्ची ली है और 250 ग्राम हमने ये लाल मोटी मिर्ची ली है। और ये हमने आधा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, और ये एक चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, चुटकी भर हमने हींग ली है। तो आइए बनाते हैं लहसुन, लाल मिर्च और हरी मिर्च की चटनी। इन हरी मिर्चों और लाल मिर्च को मैं अभी चॉपर में चॉप कर लूंगी। ये मैंने लाल मिर्च ली है और ये मैंने चॉपर लिया है। चॉपर में मैं इनके टुकड़े करके डाल दूंगी और जो बीज है उन बीज को मैं निकाल दूंगी। जो ज्यादा बीज है उन्हें मैं निकाल दूंगी। इसी प्रकार से मैं इसको कट कर लूंगी। ये हमारी लाल मिर्ची चॉप हो चुकी है। और इसी प्रकार से मैं ये हरी मिर्च को भी चॉपर में चॉप कर लूंगी। ये हमारी सारी हरी मिर्ची चॉप हो चुकी हैं। और जो ये बीज हैं ये मैंने निकाल दिए हैं, हरी मिर्ची के भी और लाल मिर्ची के भी बीज निकाल दिए हैं। तो आइए बनाते हैं चटनी। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर सरसों का तेल डालूंगी। ये मैंने दो सर्विस स्पून मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को मैं गर्म होने दूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल दूंगी और साथ ही मैं ये जीरा डाल दूंगी इसमें, और ये मैं साबुत धनिया भी डाल दूंगी साथ ही। अब मैं इसमें ये लहसुन डालूंगी। और इसे मैं थोड़ा सा भून लूंगी लहसुन को। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लाल मिर्च और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी मिक्सी के जार में पीस के बनाई थी और ये मैं चॉपर में बना रही हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। और ये हमारा लहसुन भुन चुका है, इसे मैं थोड़ा सा और ब्राउन होने दूंगी। हमारा ब्राउन हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूंगी और साथ ही मैं ये रेड मिर्च भी डाल दूंगी। गैस को मैं स्लो कर देती हूँ। चटनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक चटनी हमारे अच्छे से चल सकती है। और साथ ही मैं इसमें ये नमक डाल दूंगी, स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है। और ये हमारी मिर्ची अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है और ये गलने भी लगी है मिर्ची हमारी। अब मैं इसे ढक के 1 से 2 मिनट पकने दूंगी स्लो गैस पे ही इसे। तो आइए अब हम चटनी को चेक करते हैं। ये हमारी चटनी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और ये बनकर भी तैयार हो चुकी है चटनी हमारी।
कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है ये चटनी। गैस को मैं बंद कर दूंगी और चटनी को मैं एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारी लाल मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।